वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है। कल दिल्ली में विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर ये अहम मीटिंग होगी। खड़गे के घर कल शाम 6 बजे बड़ी बैठक होगी। तो फ्लोर लीडर्स की एक बैठक बुलाई गई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। कल ही 6 दिसंबर यानी इंडिया अलायंस की बैठक तय थी, लेकिन अब उस बैठक के बदले देखिए, अब आप देख सकते हैं कि शाम 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी फ्लोर लीडर्स की अहम बैठक बुलाई है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव हैं। सर, इंडिया गठबंधन के बारे में ये कहा जा रहा है बिखराव आ गया। कोई बिखराव नहीं आया, उसमें और पार्टियां और जुड़ने वाली, बिखराव की बात छोड़। कह रहे नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं। सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के कार्यक्रम पहले से लगे होते जी, और जैसे नीतीश जी का अगर कहीं कार्यक्रम लगा है, मुख्यमंत्री का जो कार्यकर्ता लगा रहा है, दुनिया भर का पैसा करता है, इंतजाम करता है, तो वहाँ तो जाएंगे ही, लेकिन उनका कोई ना कोई प्रतिनिधि आएगा। ममता जी भी नहीं आ रही हैं, तो ममता जी के कुछ लोग आएंगे। अखिलेश भी कार्यक्रम लगे हुए हैं, तो मैं जाऊँगा। नहीं, आप तो वरिष्ठ नेता हैं, आप और अखिलेश तो बराबर हुए, लेकिन बाकी लोगों के अगर नहीं, आप कुछ उसमें बिटवीन द लाइंस न पढ़िए, एवरीथिंग इज ओके। तो यानी कि जो अभी हाल हुआ था मध्य प्रदेश चुनाव में, बीती ताही बिसारिये हो गया। अरे वो छोड़िए, तो वो तो विधानसभा का था, 24 में ऐसा नहीं होगा। चल, हमारे साथ लॉकेट चैटर्जी हैं और मैडम ममता बनर्जी जो कि सूत्रधार थी, और उन्होंने कहा है कि मैं तो इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं आऊँगी, नॉर्थ बंगाल का दौरा लगा है। देखिए, खुद का स्वार्थ निभाने के लिए, सब अपना स्वार्थ के लिए इंडिया गठबंधन में उन्होंने मतलब सूत्रधार होकर काम किया था। जब देखा देश में कांग्रेस का जो वस्तु भी अभी अभी नहीं है, अभी देखा 3-3 राज्यों में जो देखा, जो रिजल्ट दिखा है 24 का, उसको जो क्या आ रहा है, क्या तूफान आ रहे है, इसको मालूम हो गया, क्या साइक्लोन, मोदी जी का जो साइक्लोन आ रहा है ये मालूम हो गया है। इसलिए खुद बचने के लिए ये सब कर रहा है, CBID से बचने के लिए कांग्रेस के पास गए थे, लेकिन इसको कोई नहीं बचा सकते हैं। जितना उन्होंने करप्शन किया है, मोदी जी ने बोला है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसके पार्टी के साथ भी ऐसा होगा, जो जो करप्टेड लोग है उसका शास्ति होगा और जेल में जाएगा।